subscribe and press bell icon and never miss a new update. Hello everyone and welcome to Major Kalshi Classes. आज हमारे साथ हैं मृत्युंजय सिंह. वैसे अभी मृत्युंजय और राजीव दोनों साथ में आए हुए हैं. राजीव हमारे सामने बैठे हुए हैं. अभी मैंने दो मिनट पहले उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन अब क्योंकि वीडियो अलग अलग दिन अपलोड होंगे इसलिए दोबारा से मुझे आज हमारे साथ कहना पड़ रहा है. और एक और फनी चीज़ हो गई आज मृत्युंजय के साथ. कह रहे थे कि लास्ट टाइम भी सर मैं सेम टी शर्ट में आया था और हम दोनों साथ में आए थे एक ही दिन. तो ये सब कोइंसिडेंस हो जाते हैं. बट एनी वेज मृत्युंजय, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. आपने सी डी एस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया. अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सी डी एस 1 2019, 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था. इसका रिजल्ट अभी 1 week 2 week बैग आया था. कब आया था इस रिजल्ट इसका? 9th April को रिजल्ट आया था, राइट? ठीक है, सी डी एस का रिजल्ट 9th April को आया था. और मृत्युंजय ने एक बार फिर सी डी एस का रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है. 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं मृत्युंजय सी डी एस का रिटर्न एग्ज़ाम. आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मृत्युंजय. एंड आई रियली होप कि आप अच्छा परफॉर्म करें एसएसबी में और क्वालिफाई करें आप. चलिए मृत्युंजय, आपसे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम की. ठीक है, आप तीनों पेपर अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, राइट? इस बार आपने ओटीए के लिए क्वालिफाई किया है. तो अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, अभी जो अगला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है सी डी एस का. लास्ट टाइम नवंबर में हुआ था, इस बार सितंबर में है. 8 सितंबर को एग्ज़ाम है इस बार सी डी एस का. तो आपका क्या सजेशन होगा अगर जो बच्चे अभी क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं, आप क्लास में बच्चों से भी मिले, क्या स्ट्रेटजी, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप टिप्स देंगे उनको? सर स्ट्रेटजी, सर जो आपका जो 3 सब्जेक्ट होते हैं सर सी डी एस में, जी एस, इंग्लिश और मैथ्स. जी एस को सब्जेक्ट मानते ही नहीं? हाँ सर, तो वो सर मतलब ऑलरेडी सर, तो मतलब जी एस क्या है कि आपका काफ़ी उसमें स्कोरिंग बहुत हाई नहीं रहता आपका, क्योंकि बहुत टफ है, बहुत ब्रॉड है, काफी और बहुत वास्ट है, और आपका हर कोई ऐसा हर आपका पार्ट में स्ट्रांग नहीं होता है. तो फिर आपका दो आपका सब्जेक्ट आते हैं मैथ्स और इंग्लिश. तो आपका जो ओटीए के लिए आपका जा रहा है उसके लिए आपका इंग्लिश बहुत मस्ट है. इंग्लिश में उसको स्कोर करना ही पड़ेगा 70+, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है जो आपका रिसेंट कट ऑफ गए हैं आपकी दो एग्ज़ाम के. अगर आपका जो आईएमए के लिए जा रहा है उसके लिए आपका फिर वो चाहे तो मैथ्स और इंग्लिश आपका दोनों उसको अच्छा करना पड़ेगा, उन दोनों को पढ़ना पड़ेगा. और आपका मैथ्स का प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स हो या इंग्लिश, क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है. मैथ्स का आपका एग्जाम जो इस बार हुआ है आपका उसमें लेंथी बहुत हुआ है. मतलब बच्चों को क्वेश्चन आते हुए, मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब मुझे क्वेश्चन आते हुए भी टाइम नहीं बच रहा है कि मैं उस तरीके से उसको सॉल्व कर पाऊँ. ये आपका सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ये इतना आपका टाइम कम बच रहा है. तो मैथ्स की प्रैक्टिस होगी ज़्यादा तो आप उसमें फिर आप विद इन टाइम आप उसको कर सकते हैं. तो आपने जो बात शुरू की थी इंग्लिश से कि भाई जी एस का पोर्शन बहुत वास्ट है और हर कोई तो हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट, सब पे तो मास्टर हो नहीं सकता. तो बेटर ये है कि जो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, जो सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वही आते हैं. अगर उनमें हम मास्टरी प्राप्त करने की कोशिश करें तो मतलब बहुत स्कोरिंग हो सकता है इंग्लिश. तो आपकी ये ट्रिप होगी, स्ट्रेटजी मतलब ऐसी बनाई जाए कि इंग्लिश में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करें, बिकॉज जी एस में आप चाह के भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे. बहुत वास्ट सिलेबस है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे जगह से आते हैं कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे. तो इंग्लिश में कोई कसर नहीं छोड़नी है. इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी डी एस एग्ज़ाम. सबसे ज़्यादा स्कोर आप वहीं करेंगे. और आप मैथ्स के बारे में बता रहे थे कि मैथ्स के क्वेश्चन कुछ बदल गए हैं अब उनका, मतलब जो क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो लेंथी, मतलब सोल्यूशन बड़ा लेंथी है. आपको सोल्यूशन पता है कि कैसे करना है, लेकिन वो सारे स्टेप्स करके जब रफ वर्क करेंगे तो काफ़ी टाइम उसमें कंज्यूम होता है, राइट? तो बट अगेन आपको मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है. हाँ, अगर आपका टारगेट है आईएमए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपका मैथ्स के लिए, क्योंकि आपका वही लेंथी सिलेबस है आपका, तो प्रैक्टिस से आप उनको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, राइट? एग्जाम के टाइम पे आप उनको जल्दी विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो. लेकिन सिर्फ इंग्लिश के भरोसे तो फिर सीडीएस का एग्जाम निकलने से रहा, जीएस के पोर्शन में कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी. तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या आप मतलब राय देंगे इसके लिए? सर जीएस के पोर्शन में सर आपका जो सिर्फ बहुत सारे आपका साइंस बैकग्राउंड हो गया आपका, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका हो गया, और आपका करंट अफेयर्स हो गया, right. तो इसमें अब जो आपका जो स्टूडेंट आपका साइंस से आ रहा है तो आपके अगर साइंस के 30 क्वेश्चंस हैं तो उसको वहाँ पे स्ट्रांग अपना करना है. जहाँ पे आप स्ट्रांग हो वहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है. जिसको आपका जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको आपका साइंस करना है, जो आपका आर्ट से आ रहा है वहाँ उसको आर्ट का करना है, वहाँ मतलब उसको कन्फर्म रहना है. और जो बचा हुआ पोर्शन आपका है वहाँ पे उसको जितना अच्छे से कर पा रहा है, जितना ज़्यादा कर पा रहा है उतना कर लिया आपका. जैसे पॉलिटी किसी का ये होता है आपका, जब आप पढ़ते हैं तो कहीं आपको हिस्ट्री किसी को अच्छा आपका पसंद है, किसी को आपका पॉलिटी पसंद है, तो जो भी आपको पसंद है आप उसमें अपना 100% करिए और ट्राई करिए कम से कम गलतियाँ हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें. और फिर आपका करंट अफेयर्स है, ये आपका एक न्यूट्रल टॉपिक है,
तो ये तो हर कोई कर सकता है। करंट अफेयर के बारे में मेरा क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर का जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ बारों बार में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहा है, कितना मतलब वेटेज बढ़ रहा है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर के लिए बड़ा डाउट रहता है कि कैसे पढ़ूं भाई, मैं न्यूज़पेपर से पढ़ूं, टीवी देखूं, यूट्यूब पे जाऊं, मैगजीन पढ़ूं, और मैगजीन भी अगर लेने जाते हैं हम तो मतलब मंथली जो मैगजीन आती है इतना ज़्यादा कंटेंट है, ऊपर से ऑलरेडी इतना हमें इंग्लिश जीएस का क्वेश्चन पढ़ना है, तो काफ़ी है कि चैलेंज होता चला रहा है करंट अफेयर तैयार करना, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर उसके लिए सर आपको मतलब आपने कहा कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो मेन आपको क्या करना है कि पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस सीडीएस के एग्जाम में आपका आ रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आपको क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, तो फिर आप वही चीज़ सर्च करोगे जाके, जो कि कंटेंट आपका चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे आपका मैगजीन्स हो गई, आपका न्यूज़पेपर हो गया, या फिर आपकी एप्लीकेशन हो गई, तो आप जो चीज़ आपको पता है कि हाँ ये आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ रहे हैं, फिर आप जाकर के उसी को ढूंढते हो। तो कंटेंट कम करने का एक यही ऑप्शन है कि आप पहले जाके एनालाइज़ करिए जो आपके पेपर्स पहले आ चुके हैं, आपका क्वेश्चन पेपर्स, फिर आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। राइट, तो मृत्युंजय जैसे हम अगर जीएस पोर्शन की बात करें, स्पेशली जो साइंस साइड के बच्चे हैं, अभी जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स इतना जो वास्ट है, और कहाँ से पढ़ें, मतलब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, इतना वास्ट है, मतलब कुछ तो लिमिट होगा, मतलब कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, ये बड़ा एक कन्फ्यूजन है। पहले भी मैंने कहा है कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपको क्या सीडीएस के लिए क्या पढ़ना है, आपका हर एग्जाम के लिए आपका अलग, हाँ आपका हर एग्जाम के लिए आपका अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, और आपको वो सीडीएस के लिए क्या पढ़ना है, वो आपको सीडीएस के लिए आपको जो स्पेशली बुक्स बनाई गई हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा वो चीज़, वहाँ आपको वही चीज़ क्रीम मिलती है जो आपको पढ़नी है, आपको जो आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको नहीं, वो कुछ आपकी छूट रही कहीं पर तो वो आपको नहीं पढ़नी है। तो ये आप जो हमारी जो एमकेसी की आप जो पब्लिकेशन की बुक है आपकी, वहाँ आपको ये मतलब प्रॉपरली सीडीएस के लिए बनाई गई हैं, जो आपको जो भी सारी बुक सीडीएस के लिए हैं, तो वहाँ आपको वही चीज़ मिलती है जो आपको पढ़ना है, आप अच्छे से उसको अगर पढ़ते हैं, अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो वो मतलब बहुत हेल्पफुल होगा, और मेरे हिसाब से फिर जीएस उसके बाहर से आपका आने वाला कोई पोर्शन नहीं है, आपका सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, और आपका फिर इतना बुक्स तो पढ़ना, मतलब अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी करते फिर आपको ये जो भी आपकी 6-7 बुक्स हैं तो वो आपको आप पूरा भरना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको फिर मैंने देखा है कि जो आपका क्वेश्चन सीरीज होती है आपका, जहाँ आपका एमसीक्यू की बुक आती है अलग से आपका हर सब्जेक्ट की, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, आपने पहले थ्योरी पढ़ी और फिर आप उसी तरीके का क्वेश्चंस देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के सीरीज में आते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस सेट की तरह काम करते हैं एक तरीके से। राइट, और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज अगर हम ढूंढते रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल की हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक्स ढूंढते रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कौन से टॉपिक्स पढ़ें उसमें से इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं हिस्ट्री की, बाप रे बाप। तो एमकेसी की बुक्स आपको लगता है कि एक एडिक्वेट, और ऊपर से जो ट्रेंड एनालिसिस है हर साल की जो पेपर है उसका जो एनालिसिस करके जो जो टॉपिक्स चुने हैं, क्वेश्चन चुने हैं, वो बहुत बेनिफिट हो जाता है। चलिए अच्छी बात है मृत्युंजय, आपने फिर एक बार सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्शन लेके आए आप, फिर आपका हम एक अच्छा सा लंबा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे एसएसबी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू।